Some people have to say how they want you to take the next 10 steps of your day. Some people want to tell you what they want. Hi, sir. Hi, we are going out for a date with my mom for lunch. And pizza, lala. Okay. So आज काफी ज़्यादा ठंड है बाहर और मैं और हिम्मत आ गए लंच डेट पे. And guys, the bus and people must make like a 6 feet bench now, right? Yeah. I tell you. So we can ओके दोस्तों, तो हम दोनों आ चुके हैं गाड़ी में. गाड़ी में बैठ के खाएंगे हम लोग, वहाँ पे बैठ के नहीं खाने वाले हैं. एंड बहुत ही डिलिशियस खुशबू आ रही है. सो मैंने मेरे लिए लिया है कनेडियाना एंड हिम्मत ने लिया है पेपरोनी. दिस इज अ डिलिशियस पिज़्ज़ा. दिस इज माय स्लाइस. Actually, their pizza is the best. Yeah. Better than everybody. What is the most famous pizza ever? Famous is Domino's. Mm-hmm. It's so good. It's so warm. Good for a cold day. Mm-hmm. You can have this pizza like in all the months. Mm-hmm. Summer, fall, winter, all. Yeah. It's all year round. Yeah. I have pepperoni, mushroom and peppers. You know the song? Okay, so hum pahunch gaye hain Healthy Planet. Yahan se hum lenge kuch Ayurvedic ingredients. Are you excited? I'm not ready yet. I'm not ready, okay? I need to go. Okay, now I'm ready. Say, no. You are excited to buy some boring ingredients for mama? Yeah, I'm excited. Wait, I can't even wear this. So this is a nice and big stone. So these are all oils. Oils? Seriously, oils? तो इस बार हेल्थ फूड स्टोर से मैंने लिया है ये ऑर्गेनिक अश्वगंधा. ये मैं हमेशा खा रही हूँ. काफ़ी समय हो गया मुझे ये अश्वगंधा को खाते हुए. मुझे लग रहा है कि साल ही हो गया होगा. उसके बाद मैंने इस बार ये त्रिफला भी लिया है हिमालयन ब्रांड से. ये भी ऑर्गेनिक है एंड ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. एंड या ओवरऑल आपके लिए हेल्दी है ये. एंड देन मैंने ये एक इंग्रेडिएंट ली है जिसे बोलते हैं बॉसवेल. एंड ये जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. एंड ये भी मुझे काफ़ी समय हो गया है खाते हुए. इस बार मैंने एक और इंग्रेडिएंट ली है जो कि एक्चुअली सिरप किस्म का है. लाइक आपको पानी में घोल के पीना होता है. इसे वैलेरियन कोई हर्ब है एंड आई डोंट नो, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है. बट ये अच्छी नींद के लिए है एंड थोड़ा पेन रिलीफ है. और मैंने सोचा कि ट्राई कर दी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी नींद नहीं आती है. सो एक दो बार तो मुझे लगा कि इसको पीने के बाद मुझे नींद अच्छी आई है. ऑलराइट दोस्तों, तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं एंड घर पहुंच के मैं बनाने वाली हूँ चाय. और मैं लेके आई हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक केटल. बहुत समय से मैं लेना चाह रही थी पर आज मैं सोचा कि ले ही लेते हैं. एंड ये है ब्लैक एंड डेकर ब्रांड की और मैंने ली है कनेडियन टायर से. एंड एक बार पानी बॉइल करके मैंने सोड दिया है. अब ये मेरे लिए चाय के लिए रेडी हो रहा है. हेलो गाइस, वी आर बैक होम. सो आई एम रियली एक्साइटेड. आई गॉट लाइक अ न्यू कॉमिक बुक व्हिच आई एम सो एक्साइटेड टू रीड. एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज़ आई वांट like some stuff and I want to drink something in those cups. So yes, Himmat leke aaya hai apne liye ek kitab jiske liye wo bahut zyada excited hai and wo wait kar raha hai kab main use sanitize karu aur wo pad paaye. So maine ye hai meri nayi chai ki collection. Ye sari chais bahut achhi hain aapke liye agar peena chahe to. And sardiyon mein mujhe sardiyon mein ayurveda ke hisab se aapko sara din kuch na kuch garam mein sip on karte rehna chahiye taki andar heat rahe, especially
उन दोस्तों के लिए जिनको बोन्स की प्रॉब्लम है एंड मैंने रखी है फिलहाल, इनको एडजस्ट करेंगे। सो पानी बॉयल हो रहा है एंड मैं मेरे लिए पहले से दो कप भी लेके आई हूँ, आई होप आपको दिख रहे होंगे। एक में ये फ्लेमिंगोज बने हैं, एक में ये कैक्टस, इनको वॉश कर लेते हैं एंड चाय पीते हैं आराम से। दोस्तों तो शाम का समय है एंड मैंने सोचा है कि जल्दी से ब्रेड पकौड़े बना लेते हैं। ब्रेड पकौड़े नहीं, एक्चुअली ब्रेड रोल, काफ़ी समय हो गया कि बनाए नहीं है। सो आपके साथ मैं क्विक सी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, अगर आप बनाना चाहते हैं अच्छा है। एंड बिकॉज हम ब्रेड को गीला करते हैं तो तेल इतना वो सोखता नहीं है एंड इतना ऑयली नहीं बनेगा। सो या जल्दी से देख लें। सो हम लेंगे उबले हुए आलू जिसको मैंने माइक्रोवेव में बॉईल कर लिया है एंड ये पीसेस में है, इसे हम थोड़ा मैश कर लेंगे। अब आप इसमें अपनी मन पसंदीदा इंग्रेडिएंट्स को ऐड करें। मैं ऐड करूँगी ग्रीन चिल्ली एंड ग्रीन धनिया, मुझे इन दोनों चीज़ों का फ्लेवर एक साथ बहुत अच्छा लगता है। एंड इसे मैं रायते में भी, अगर ग्रीन चिल्ली एंड धनिया होना तो रायते का फ्लेवर भी बेस्ट हो जाता है। सो उसके बाद हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर लेंगे, मैंने थोड़ा जीरा भी ऐड किया है। मसाले के लिए हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च एंड नमक एंड थोड़ी सी रेड चिल्ली भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो। एंड इसमें मैं सूखा हुआ धनिया भी ऐड करूँगी, उस सीड्स को हम क्रश कर लेंगे अच्छी तरह क्योंकि उसका इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप ब्रेड पकौड़े भी बनाना चाहते हैं तब भी आप इस तरह का मिक्सचर बनाएंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह एंड इसके बाद मैं एक ब्रेड ले रही हूँ, इसकी साइड्स को हम कट कर लेंगे। अगर आप साइड्स रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं क्योंकि इसका भी अलग से एक क्रंचीनेस आती है, पर मैं रिमूव कर लूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे ब्रेड रोल के बंस हैं वो छोटे छोटे बने क्यूब से। और अब मैं पानी ले रही हूँ, पानी में मैं इस ब्रेड को अच्छी तरह भिगो लूँगी। वैसे बहुत सारे लोग ना कम ही पानी ऐड करते हैं, पर जब मैं कम पानी ऐड करती हूँ ना तो मेरे पकौड़े में तेल बहुत ज़्यादा सोख लेते हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो मैं इसे अच्छी तरह दल खोल के गिला करूँगी एंड उसके बाद मैं इसे निचोड़ लूँगी। उसके बाद डिज़ायर्ड अमाउंट आप अपने आलू के ऐड करें और मिट्टी बंद करते हुए इसकी पोटली सी बना लेंगे। इसी तरह धीरे धीरे हम 4-5 पोटलियाँ बना लेंगे। और अब हम इसे करेंगे डीप फ्राई, आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। सो उसके लिए मैंने ऑयल ऑलरेडी कढ़ाई में गरम कर लिया है, मीडियम हीट हो तो ज़्यादा अच्छा है, मेरा थोड़ा ज़्यादा ही हॉट है। बट बिकॉज आलू अच्छी तरह कुक्ड हैं तो ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, पर कोशिश करें कि हीट मीडियम हो। और अब इसको हम फ्राई कर लेंगे, जब ये अच्छा क्रिस्पी ब्राउन कलर का हो जाता है तो आप इसको निकाल लें और इसे सर्व करें अपनी मन पसंदीदा चटनी के साथ। ये बहुत ही प्यारी सी क्विक सी रेसिपी है एंड खाने वाले को अच्छी लगेगी, मज़ेदार होती है। आपने ऑलरेडी मुझे लग रहा ट्राई करी होगी, अगर नहीं करी है तो ज़रूर से करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। सो मेरे ब्रेड पकौड़े रेडी हो चुके हैं, मैं खाने जा रही हूँ एंड इसके साथ मैं पीऊँगी चाह एंड पट्टी के रिव्यूज ले लेते हैं। पट्टी कितना लग रहा है बढ़िया? यार इट्स रियली गुड, आई एम सिक, आई एम नॉट ईटिंग टू मच ऑन फूड। ओके, सो हस्बैंड ने कहा है कि ये चिक फ्ले की सिराचा सॉस के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, स्वीट एंड स्पाइसी, मैं भी ट्राई कर लेती हूं उसके साथ। ओके, रात के 8:30 बज चुके हैं एंड मैंने 3-4 बार प्यारी सी हर्बल चाय पी ली है और अब बारी आती है मेरे और हिम्मत की मूवी देखने के लिए। और हम दोनों देखने वाले हैं श्रेक, जो कि हमने हज़ारों बार देखी है और हमें बहुत अच्छी लगती है। हिम्मत वहाँ पे कोजी हो चुका है, मूवी ऑन है, पर मैंने सोचा कि मैंने व्लॉग उसके बाद बनाया ही नहीं, तो यस अब हम मूवी देखेंगे। होपफुली मैं आपको थोड़ी देर में मिलूँगी या शायद ना मिलूँ, सीधा सोने के लिए चले जाऊँ, बट या ये चल रहा है मेरी लाइफ में फिलहाल।
सो लाइट्स हमने बंद कर दी है एंड वी गोना वॉच मूवी नाउ. आई वांट टू